कानपुर हिंसा में योगी सरकार का दंगाइयों के खिलाफ रैपिड एक्शन जारी है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। लगातार सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है और फुटेज में जो सबूत सामने निकल कर आ रहे हैं उससे हिंसा की तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। अब तक इस केस में 38 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एटीएस की टीम लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को जिस दिन ये हिंसा हुई थी उस दिन देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी शहर में मौजूद थे। ऐसे में उपद्रवियों को जल्द से जल्द शिकंजे में लेने के लिए पुलिस के ऊपर काफी दबाव है। पुलिस सीसीटीवी की बारीकी से जांच कर रही है और निशानदेही करके अब तक 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। इसके अलावा पुलिस ने अब सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगालने के बाद 40 और उपद्रवियों की तस्वीर जारी की है। इन सबकी उम्र लगभग 25 साल से कम बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने उपद्रवियों की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखने का ऐलान भी किया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम। नमस्कार।